गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम पर बसे प्रयागराज से लेकर रायबरेली और सुल्तानपुर जैसे जिलों का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन क्षेत्रों को इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के संगम पर लाने का कार्य माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी कर रहे हैं। उनके कर कमलों से 4,100 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 8 प्रमुख परियोजनाओं का भूमि पूजन होने जा रहा है, जिनके माध्यम से 424 किलोमीटर लंबाई की सड़कें और कुछ दूसरे विकास कार्य होंगे। इनमें 1,280 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से NH 31 के रायबरेली जौनपुर खंड पर लालगंज अजहारा मोहनगंज और रानीगंज में 51 किलोमीटर लंबाई के पेव्ड शोल्डर के साथ बाईपास का निर्माण, 1,274 करोड़ रुपए की लागत से रायबरेली रिंग रोड के दूसरे चरण में 22 किलोमीटर लंबाई में 4 लेन सड़क का निर्माण, 974 करोड़ रुपए की लागत से NH 931 ए पर सालोन नासिराबाद जैस जगदीशपुर खंड पर 2 लेन पेव्ड शोल्डर के साथ 53.5 किलोमीटर लंबी सड़क का उन्नयन और पुनर्वास कार्य, 159 करोड़ रुपए की लागत से प्रयागराज में लाल गोपालगंज से नवाबगंज तक 17.5 किलोमीटर 4 लेन लंबी सड़क का निर्माण, 87 करोड़ रुपए की लागत से NH 30 के रायबरेली प्रयागराज खंड पर 8.5 किलोमीटर लंबे कैरेज वे का उन्नयन कार्य, 190 करोड़ की लागत से NH 128 पर टांडा रायबरेली खंड पर 149 किलोमीटर लंबी सड़क का सुदृढ़ीकरण, 147 करोड़ रुपए की लागत से NH 232 पर रायबरेली बांदा खंड पर 121 किलोमीटर लंबी सड़क का सुदृढ़ीकरण और 55 करोड़ रुपए की लागत से न्यू NH 30 पर लखनऊ रायबरेली के रातापुर और त्रिपुला में 2 व्हीकल अंडरपास का निर्माण कार्य शामिल है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से जहां इस पूरे क्षेत्र में ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी, वहीं प्रदेश और देश के दूसरे इलाकों से कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। माननीय मंत्री श्री गडकरी जी के सार्थक प्रयासों का परिणाम है कि काफी समय से उपेक्षा का शिकार रहा यह क्षेत्र अब विकास की मुख्य धारा से जुड़ने लगा है।